हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास टू के हिंदी चैप्टर नंबर 7, बादल आए। इस कविता का कवि है अनुराग शर्मा, जो कि बारिश के मौसम के बारे में कहा गया है। बारिश के मौसम में जब काली बादल आती है तो उसे बादल को देखकर कौन कौन खुश हो जाते हैं, बादल के आने से क्या क्या होता है, इस कविता के माध्यम से बताया है। तो आप सब जानते हो बादल के बारे में। बादल कौन से रंग के होते हैं? काला रंग के बादल छा जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे बादल आए कविता। बादल आए, बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ में छाए। बादल आए, बादल आए, बूंदों से झोली भर लाए। बादल आए, बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ में छाए। तो आप सब जानते हो कि बादल के आने से क्या होता है। जब बादल के आने से पूरे नभमंडल में, आसमान में क्या होता है, नभ मतलब आसमान, आसमान में क्या होता है, काली रंग का बादल जो है वो छा जाता है। बादल के आने से सूरज को भी वो ढक देती है और चारों तरफ क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और बादल के आने से और क्या होता है, बादल के आने से और गरजने लगती है। आप सब जानते हो ना, घुड़घुड़ घुड़घुड़ करके आवाज़ आती है, वो है घुमड़ घुमड़ कर आती है। जब बादल आती है तो उमड़ घुमड़ कर आती है और पूरे नभमंडल में, आसमान में वो छा जाती है। बादल आए, बादल आए, बूंदों से झोली भर लाए। और उसके साथ क्या होता है, बादल आती है और अपने साथ जल लेकर आता है। जल मतलब बारिश जो होती है, बूंद बूंद कर, एक एक टपक टपक कर पानी का बूंदे गिरती है। तो बादल जो है झोली, झोली मतलब बैग, तो बादल जो है वो पानी का बैग उसके साथ लेकर आती है। कवि ने कहा है कि बादल जब आती है वो पानी भी लेकर आती है और चारों ओर फैलाकर उसे छोड़ देती है। टप टप करके बरस रहे हैं खेत बाग बन बरस सरस रहे हैं। हरे भरे उपवन लहराए, बादल आए, बादल आए। टप टप करके बरस रहे हैं, जब बारिश के बूंदे नीचे गिरती है तो कैसे आवाज होती है, टप 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 ऐसे गरजती है ना। तो टप टप करके बरस रहे हैं, तो वो बारिश का बूंदे टप टप करके गिर रहे हैं धरती में। खेत बाग बन सरस रहे, जब बारिश का पानी धरती में आती है तो खेतों में जो खेत सूखा हुआ होता है, जो बगीचा में बहुत सारे फूलों का पौधा होते है, वन में जो पेड़ होती है, जब उनको उस बारिश के बूंदे उनके ऊपर गिरती है, उनके छू जाती है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सरस हो जाते हैं मतलब खुश हो जाते हैं। खेत बाग बन सरस रहे हैं, बारिश के पानी से खेत बाग बन वो खुशी से नाचने लगते हैं। हरे भरे उपवन लहराए, बादल आए, बादल आए। हरे भरे उपवन लहराए, हरे भरे मतलब, हरे मतलब रंग है हरा रंग का, भरे मतलब हरे भरे, एक वर्ड है जो कि भरती भरती होता है, चारों ओर जो हरियाली छा गई होती है वो उपवन मतलब बगीचा, वो बगीचा बारिश की बूंदों से लहराने लगती है और वो खुश हो जाती है। मोर पपैया मेंढक बोले, कलियों ने भी मुखड़े खोले। फूलों की गुच्छे मुस्काए, बादल आए, बादल आए। मोर पपैया मेंढक बोले, मोर मोर जानते हो, मोर जो हमारी नेशनल बर्ड है, जातीय पक्षी मोर, वो क्या होता है, बादल के आने से खुश होकर नाचने लगती है। वो काले बादल को देखकर ही मोर नाचती है। पपैया एक चिड़िया है, वो भी बादल को देखकर खुश हो जाती है। मेंढक, मेंढक जो है बारिश के आने से क्या होता है, टर 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 करके आवाज करने लगते हैं।
मोर पपैया मेंढक बोले, कलियों ने भी मुखड़े खोले। तो मोर नाचने लगती है, पपैया खुश होने हो जाता है, मेंढक टर करने लगता है। बारिश के आने से और क्या होता है, कलियों ने भी मुखड़े खोले। जो फूलों का कलियां होती है, फूल होती है, देखे हो ना फूल, तो उसके जो एक एक पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, कलियां। तो उस कलियों ने भी मुखड़े खोले, वो कलियां जो है वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और बड़े फूल हो जाता है। फूलों की गुच्छे मुस्काए, बादल आए बादल आए। फूलों का गुच्छे मुस्काए, जो फूल पेड़ में पौधे में फूल होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। बादल आए बादल आए, किसके आने से वो सब होता है, बादल की आने से फूलों का मुच्छे मुस्कुराती है, मोर पपैया मेंढक गाने लगते हैं, उपवन लहराने लगते हैं, बिजली चमकी बादल गरजे, टप 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 मोती बरसे, पल में नदी ताल भर आए, बादल आए बादल आए। और क्या होती है, जब बादल आती है तो बिजली भी चमकने लगती है। आप सब देखे हो ना, बादल के आने से जब बारिश के मौसम में काली मेघा चारों ओर घेर लेता है तो क्या होता है, बिजली भी चमकती है, बादल गरजने लगती है और टप टप करके मोती की जैसे पानी के बूंदे बरसने लगते हैं। जब नदी बारिश होती है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है, नदी ताल सारे पल में, एक ही पल में। बारिश के मौसम में जो सूखा हुआ नदी होता है या तालाब होती है वो सब भी पानी से भर जाता है, किसके आने से, बादल के आने से। तो आप सबको समझ में आ गया कि बादल के आने से क्या क्या होता है, चारों ओर काली मेघा नभ में छा जाती है, बिजली चमकती है, बादल आने से गरजने लगते हैं, मोर पपैया मेंढक ये सब खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बारिश की जो बूंदे हैं वो टप टप करके बरसने लगते हैं और उसकी बारिश के पानी से खेत बाग वन ये सब खुशियों से लहराने लगते हैं। तो आप ये कविता को अच्छे से याद कर लेना। तो आज हम बादल आए की कविता को याद करोगे। चलो अब उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे शब्द और अर्थ दिया गया है, यहाँ पर देखो, सरसना मतलब जल से भरना, मोती मोती जानते हो, मोती एक रत्न है जो सीपी में से निकलता है, सीपी मतलब सामू का जो बोलते हैं, उसके अंदर से जो मोती है वो निकलती है, वो बहुत ही मूल्यवान होती है। तो बारिश की बूंदे जो होती है वो भी मोती जैसी ही मूल्यवान होती है। कान भर आए उमड़ उठे, पल में मतलब क्षण भर में, ताल मतलब तालाब। अच्छा देखो, बताओ का क्वेश्चन देखो, बादल कहाँ मिलते हैं, बादल कहाँ मिलते हैं, बादल नभ में मिलते हैं। आप आसमान में भी लिख सकते हो, बादल आसमान में मिलते हैं। बादल को देखकर कौन कौन आनंदित होते हैं, बादल को देखकर कौन कौन आनंदित होते हैं, बादल को देखकर मोर पपैया मेंढक फूल उपवन आनंदित होते हैं। बादल के गरजने पर क्या क्या होता है, बादल के गरजने पर बिजली चमकती है, बादल गरजने लगता है और टप टप करके बारिश होने लगती है। अच्छा बताओ, फोर नंबर देखो, तुम बादल होते तो क्या करते, अगर तुम बादल होते तो आप क्या क्या करते वो आप खुद लिखोगे, ठीक है। अब देखो, पंक्तियां पूरी करो, इसका पंक्तियों को आपको पूरी करना है, यहाँ पे आपके चैप्टर में है, उस चैप्टर को यहाँ देखकर वो पूरी करोगे। बादल आए उमड़ घुमर कर नभ में छाए, बिजली चमकी बादल गरजे, टप 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 मोती बरसे, पल में नदी ताल भर आए, बादल आए
बादल आए। उसके बाद देखो कुछ करने को, पढ़ो और लिखो। वन नंबर में जो है वो पिंक कलर के बॉक्स में, उसको क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है। अब टू नंबर में देखो, पाठ के आधार पर खाली जगह में उचित शब्द भरो। जैसे डैश गरजा, क्या गरजे, बादल गरजा, डैश चमकी बिजली चमकी, डैश वर्षा मोती बरसे। इस कविता को याद करो और साथियों को सुनाओ। इस कविता को याद करोगे और सुनाओगे। थैंक यू।